क्लास क्लास लास्ट में हमने क्या पढ़ा था प्लूरल एंड सिंगुलर नाउ प्लूरल क्या होते हैं मोर देन एंड सिंगुलर होते हैं ओनली नाउ हमने यहाँ तक पढ़ लिया था टेबल्स कंप्लीट कर ली थी नाउ हम क्या करेंगे एक्सरसाइज बी करेंगे नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्लूरल फॉर्म सेंटेंस को कैसे लिखना है प्लूरल फॉर्म में लिखना है. तो देखिए फर्स्ट दैट शर्ट इन योर वार ड्रोब इज स्मार्ट ठीक है यहां पर क्या आएगा दी शर्ट्स इन योर वार ड्रोब्स ठीक है क्या आएगा क्योंकि हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा वार ड्रोब्स क्या है आर स्मार्ट तो हमने क्या करा दैट को क्या बना दिया दीज उसका प्लूरल शर्ट को शर्ट में एस लगा दिया उसका प्लूरल वार्ड्रोब एक थी तो हमने बहुत सारी कर दी वॉर्ड्रोब बना दिया नाउ इसको क्या कर दिया आर कर दिया एंड स्मार्ट तो स्मार्ट ही रहेगा क्योंकि वो नाउन नहीं है तो ये क्या हो गया दी शर्ट्स इन योर वार्ड्रोब्स आर स्मार्ट ठीक है तो ये क्या है इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई नाउ सेकेंड देखिए देयर इज अ पियर ग्रोइंग ऑन द ट्री मतलब वहां पे एक पियर ग्रो कर रहा है ट्री में हमें क्या बनाना देयर आर पियर्स मतलब इसका क्या हो जाएगा आर फिर पियर्स हो जाएगा ए हट जाएगा क्योंकि वो सिंगुलर में लगता है ए पियर हम जब प्लूरल में बना देंगे तो क्या हो जाएगा पियर्स ग्रोइंग ऑन द ट्रीज क्या हो जाएगा ग्रोइंग ऑन द ट्रीज देयर आर पियर्स ग्रोइंग ऑन द ट्रीज ओके थर्ड द फ्लाइट इज लेट ड्यू टू डेंस फॉग तो क्या है flights मतलब बहुत सारी due आर लेट ड्यू टू डेंस डेंस fog की वजह से लेट है नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज यस नाउ फोर्थ देखिए द चिल्ड्रन इज द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द splash pool. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्पलैश पूल्स ठीक है तो हमने क्या करा चिल्ड्रेन को हटा अलग चाइल्ड को क्या कर दिया चिल्ड्रेन इसको आर एंड स्पलैश पूल को क्या कर दिया स्प्लैश पूल्स ठीक है नाउ फिफ देखिए दिस मैरीगो राउंड इज ओल्ड एंड कैन ब्रेक एनी टाइम तो दी इज मैनी मैरीगो राउंड मतलब बहुत सारे मैरीगो राउंड है तो दीज मैरीगो राउंड आर इसको क्या कर दिया आर ओल्ड एंड कैन ब्रेक एनी टाइम ओके क्लास नाउ कम टू अदर फॉर्म्स ऑफ प्लूरल सम काउंटेबल नाउन्स हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लूरल जैसे चाइल्ड का क्या होता है चिल्ड्रेन फूट फीट लाउज लीज लाउज लीज क्या होता है जो बालों में होती है ना लेस वो लॉ टूथ टीथ डायग्नोसिस ठीक है कैन बी यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन देयर स्पेलिंग एंड द वर्ड दैट सराउंडेल

ठीक जैसे आपको यहां दिख रहा है ना वैसे ओके okay. तो ये क्या है आपका उसके आसपास के वर्ड बताते हैं कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है अब यहाँ पे इज और ए लगा है तो क्या होगा ये सिंगुलर होगा और अगर आर लगा है तो क्या होगा प्लूरल होगा अब ऐसे कौन से वर्ड होते सम नाउन्स डू नॉट हैव सिंगुलर फॉर्म्स और कुछ होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी नहीं होती जैसे क्लोथ्स गुड्स हेडफोन्स आउटस्कर्ट्स पुलिस स्पेक्टिकल्स सीजर्स और ट्राउजर्स क्योंकि क्या होते हैं क्लोथ क्या बोलते हैं हम पेयर ऑफ क्लोथ्स क्योंकि हम क्या दो कपड़े पहनते हैं एक ऊपर और एक नीचे जैसे शर्ट और पैंट ठीक है ना हेडफोन्स होते हैं वो हम एस क्यू लगाते हैं उसकी कोई सिंगुलर क्यों नहीं होती क्योंकि हम एक हेडफोन यूज नहीं करते हैं आपके हेडफोन दोनों कानों पे लगते हैं तो वो क्या हो है? दो पीसेस हो जाते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं ए पेयर ऑफ हेडफोन अ पेयर ऑफ सीजर अ पेयर ऑफ ट्राउजर क्योंकि वो आप दो पार्ट में यूज में लेते हैं ट्राउजर क्या आप दो पैरों में पहनते हैं सीजर से क्या होता है दो पेयर होते हैं, होते हैं वो काटते हैं राइट नाउन एक्सेप्शन टू द रूल सम नाउन रिमेन द सेम इन देअर सिंग्युलर एंड प्लूरल फोन कुछ नाउन क्या कहते हैं सिंग्युलर और प्लुरल फोन में सेम ही रहते हैं जैसे कि शीप एंड सम नाउन हैव देअर ओन प्लूरल फॉर्म और कुछ नाउन की क्या होती है खुद की प्लूरल फॉर्म होती है नाउ नॉसीज देखते हम फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन इन ब्रैकेट्स ओके नाउ देखिए फर्स्ट क्या है द स्टोर वॉज इनफेक्टेड इन्फेस्टेड बाय माउस अ माउस का हमने प्लूरल क्या पढ़ा था माइस राइट नाउ सेकेंड ऑल द डैश वूमेन पार्टिसिपेट इन द क्लीन योर नेबरहुड प्रोजेक्ट तो हमने वूमेन का क्या पढ़ा था डब्ल्यू ओ एम एन व्यूमेन राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज ना थर्ड देखिए डिप योर डैश फूट इन द कोल्ड वॉटर ऑफ द लेक इील वेरी रिफ्रेशिंग नाउ फूट क्या होता है एक पैर ना वो तो क्या बोल रहे है? आपको दोनों पैर रखने के लिए मतलब फीट फोर्थ देखिए द बेबी फ्रंट दैश टूथ आर कमिंग लूज नाउ फ्रंट क्या होगा teeth क्योंकि बहुत सारे होते हैं नॉ फिफ्थ क्या है दिफर्ड टूक द डैश फॉर तो शीप का क्या होगा सिर्फ शीप ही होगा ठीक है क्या होगा शीप sheep. नो no sheep's और नो शीप सिर्फ क्या होगा शीप तो यही आपका क्या है सही फॉर्म है इसका नाउ डू remember दैट नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल नॉन दो फॉर्म के होते हैं सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं देर आर मैनी वेज टू फॉर्म प्लुरल्स और प्लूरल के बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है नॉन लेट्स प्रैक्टिस आपको क्या करनी है बुक में करनी है ओके क्लास थैंक यू